असलम एंड वेलकम इन द वीडियो आप सब साथी आज कल जिस टर्म को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं दैट इज स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर्स एक्सलोरेशन सेंटर्स और ऑनटरप्रीनरशिप की टर्म वैसे भी इतनी रोटेट कर रही है इस वक्त मार्केट में और आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट है उनका भी जो भी गवर्नमेंट आती है वो कोशिश ही करती है कि जॉब क्रिएटर्स जो हैं वो बनाए जाएँ यानि न दर्ल्ड्स जितने भी हमारी जो यंगर जनरेशन है उनको सिवाय इसके कि वो नौकरियां ढूंढने पे निकलें वाई नॉट कि वो अपना कारोबार कर सकें सो so, उनके कारोबार करने के लिए बहुत सी सर्विसेज आसानियाँ पैदा की जाती है जिनमें आसान जिसे कहते हैं किस्तों पर कर्जा देना है आसान शराइत पर कर्जा देना या उसके अलावा जो दूसरा मेन है वो ये कि उनको ट्रेनिंग्स दे दी जाएँ यूनिवर्सिटीज़ uh, भी दे रही होती हैं लेकिन ऑबियसली यूनिवर्सिटीज़ का जो एक पूरा एक माहौल होता है वो एकेडमिक uh, ज़्यादा होता है यानी किताबों की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा होता है वेयर एज़ जब हम बात करते हैं बिज़नेस की तो बिजनेस के अंदर जो एक प्रैक्टिकल लाइफ और उसके डायनामिक्स uh, होते हैं वो बिल्कुल मुख्तलफ होते हैं इसीलिए बहुत सी सर्विसज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई जिनमें जो मेन सर्विस है दैट इज़ द इक्यूबेशन सेंटर्स पाकिस्तान में रिसेंटली इनक्यूबेशन सेंटर्स बहुत ज़्यादा हम देख भी रहे हैं और कुछ तो ऐसे इनक्यूबेशन सेंटर्स हैं जिनके नाम आप आप सभी लोग जानते हैं अच्छा आप भी इनक्यूबेशन सेंटर में जा सकते हैं आपके पास भी एक आइडिया हो सकता है लेकिन एक इनक्यूबेशन सेंटर बेसिकली होता क्या है इनक्यूबेशन सेंटर बनाया क्यों जाता है क्या सर्विसेज वो देता है आपकी जिम्मेदारी अगर आप इनक्यूबेट होने वाले हैं या हो चुके हैं एक किसी भी इनक्यूबेशन सेंटर में तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और इनक्यूबेशन सेंटर की क्या एक्सपेक्टेशन होंगी आपसे और ओवरऑल आप ये कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए ये सारी ये जो एक हमारी आज की वीडियो है ये आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी कि अगर आपके पास आइडिया है और आप प्लान कर रहे हैं इनक्यूबेशन सेंटर जाने का तो आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन दूर हो सकते हैं इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है इस पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में हमने बुलाया है इम्तियाज़ खालिद साहब को Uh, इम्तियाज़ खालिद साहब जो हैं बेसिकली ही इज़ ट्रेनड एज एन इकॉनमी एज अ बैंकर बेसिकली एजुकेशन बैकग्राउंड को देखें तो ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट लास्ट फोर्टी ईयर से अपना बिजनेस कर रहे हैं और ग्यारह uh, कंपनीज बना चुके हैं सीरियल ऑन टपने और हैं और uh, इनकी ग्यारह कंपनीज में से दो कंपनीज तो इवन चाइना और दुबई में भी ऑपरेट कर रही हैं अभी तक कंपनीज़ बना रहे हैं और मेन जो इनका आ, एरिया है जिस पर आजकल ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं दैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हैं चाहे वो एन में हैं चाहे वो इनक्यूबेशन सेंटर्स में हैं और आ, मेरे लिए सबसे अहम तारफ़ मेरे मैंटोर मेरे ट्रेनर और उसके अलावा बहुत से ऐसे चीज़ें मैंने इनसे बहुत सी बातें मैंने इनसे सीखी जो कि एक करियर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं सो सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और आ, हमारा सबसे अहम सवाल जो हमने शुरू में किया हमारी जितनी भी जनरेशन है उसको हमने अब जॉब क्रिएशन की तरफ लेकर आना है और उसमें इनक्यूबेशन सेंटर्स का कितना किरदार होता है इन अदर वर्ड्स सादा लफ्ज़ों में इनक्यूबेशन सेंटर्स बनाए ही क्यों गए ओके okay. uh, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है वहाँ पे बहुत कम अपरचुनिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर नए आने वालों को गाइड किया जाए उनको हैंड होल्डिंग की जाए थोड़ा बहुत उनके साथ चीज़ों को शेयर किया जाए ताकि वो वाली गलतियाँ ना करें जो दूसरों ने पहले की हुई तो वो माहौल के अंदर कोई इतनी ज़्यादा अपरचुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है बट कम है आ, इससे पहले कि मैं इनक्यूबेशन सेंटर की बात करूँ इडास जिसके प्लेटफॉर्म से आपने ट्रेनिंग ली थी आंट्रप्रीनियरशिप डेवलपमेंट एडवाइजरी सर्विस इसमें हमने ये रियलाइजेसन 1990 में फ़ील की कि दो चीज़ें मिसिंग हैं एक ये थ्योरी है एमबीए में थ्योरी तो पढ़ा दी जाती है और उसके बाद लोग उसकी किताबों को बंद कर देते हैं कि अच्छा ये थ्योरी पाकिस्तान में नहीं चलती इसलिए यहाँ पे आप दोबारा ज़ीरो से सीखना शुरू करो तो एक तो गैप है बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस तो उसको फिल करने के लिए हमने कहा आंट्रप्रीनियोर्स डूइंग देर ओन बिजनेस हम उसको कभी यंगर ऑन्टरप्रीनियोर्स ख़ुद भी तो हम आंट्रप्रीनियोर्स गाइडिंग दी अदर आंट्रप्रियोर्स दैट वॉज द आइडिया तो उस लिहाज से हमने उसको शुरू किया तो so, वो नीड जो है वो हमने 1990 में फ़ील की और उसके लिए एडास के बाकी प्रोग्राम चलते रहे वो द लास्ट थर्टी थर्टी ईयर्स और हम जितना कर सकते थे जितना टाइम मिलता था उसके लिहाज से कर लेते थे हमारे साथ बाकी लोग भी एट वन टाइम एडास के हंड्रेड एंड टेन एक्टिव एंट्रप्रनर्स जो थे मेम्बर्स थे इट एट दैट लाहौर में सारे लाहौर से थे right. उसमें तो एनी uh, बट anyway, uh, अभी ये अल्लाह का शुक्र है कि एटलीस्ट दैट रियलाइजेशन जो हम उस वक्त हमने फ़ील की थी आहता आस्ता वो क्रीप इन कर गई है और गवर्नमेंट बींग द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ रिसोर्सेज है उन्होंने भी ये डायरेक्शन अडोप्ट किया है तो गवर्नमेंट ने भी रियलाइज़ किया है तो एडोप्ट किया है कि इसकी नीद और पैंतालीस uh, परसेंट शायद हमारी पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ थर्टी है तो नौकरियाँ तो है ही नहीं और अब आके रियलाइज़ किया है जिस वक्त वो फ्लड जो है वो उसके गेट खुल खुल गए हुए हैं ऑलरेडी सो इट्स ऑलरेडी टू लेट इट शुड भी इंस्टॉलेटर बट एनीवे वे अब भी स्टार्ट हो गया तो बहुत अच्छा कदम है जहाँ तक आ, आपने ये पूछा है कि उनको जो एन हैं जहाँ भी जो गवर्नमेंट ने सेटअप किए उसके अलावा इनकीबेटर्स जो है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आई थिंक अब तो मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने शायद हर यूनिवर्सिटी में एक इनकी शायद इस तरह की कोई पॉलिसी है।, है लेकिन जितनी भी है तो विच इज़ ए गुड थिंग ना होने से तो बेहतर अब इसको इम्प्रूव करने की जरूरत इसको बेटर करने की जरूरत है इसको रेलिवेंट करने की जरूरत है जो अभी रेलिवेंट नहीं है इतनी ज्यादा बट जैसे नया आइडिया कोई भी होता है तो उसको रिफाइन करने में टाइम लगता है तो इसमें भी टाइम लगेगा हो जाएगा इनशाला ठीक हो गया इनशाला अच्छा इसका मतलब यह है कि जो इनक्यूबेशन सेंटर है उसकी जो मेन थीम है वो ये है कि आ, कोई भी ऐसा जो कि कारोबार की दुनिया में आना चाहता है वो पहले थोड़ी इसकी ट्रेनिंग ले ले ताकि वो जाके जाते ही कुछ गलत फैसले ना करें और दूसरी बात है कि शायद सर इनक्यूबेशन सेंटर्स अच्छा एक नेटवर्क भी डेवलप कर देते हैं ठीक है ना आपकी मुलाकात ऐसे ऑनटरपन से हो जाती हैं कि अगर आप किसी बिजनेस आइडिया में फंसे हुए हैं और बात वो आपको एक ऐसा क्विक सोल्यूशन दे देता है कि जिसकी वजह से आप अपने आइडिया को ज़्यादा बेहतरीन से इम्प्रूव कर देते हैं सर पाकिस्तान की अगर हम बात करें बिकॉज ऑलरेडी आप इनक्यूबेशन सेंटर्स के साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं किस शेप एंड फॉर्म में अभी इनक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड हैं इस वक्त तो क्योंकि अभी नेसेंट है वेरी न्यू uh, चंदी साल हुए uh, पाँच साल शायद हुए जब से स्टार्ट हुए तो uh, बल्कि uh, कुछ तो अभी लास्ट ईयर साल डेढ़ साल पहले, पहले स्टार्ट हुए तो अभी वो यू स्टेज में है जहाँ पे नया नया फैशन आता है तो हर कोई उस फैशन को पहनना चाहता है अच्छा लगे उसके या ना लगे तो इस वक्त वही स्टेज है नेम इज बीइंग यूज्ड इज इनक्यूबेटर बट उसकी शक्ल एंड फॉर्म जो है वो हर इनक्यूबेटर की अपनी अपनी नंबर वन नंबर टू देर आर एंटिटीज आउट देर जो इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहते है और उसमें सबसे बड़ी एंटिटी जो है वो हैं जो स्टार्टअप फंड्स हैं एंड वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं right. इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं फॉर एग्जांपल वो उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं कि इनक्यूबेशन में ज़्यादातर टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं क्यों भाई इट्स अ मार्केट अगर प्रोपोगेट करना है तो वो अपने अपने एक्स छोटे छोटे ग्राइंड करने की कोशिशें हो रही हैं तो ऐसा ऐसा वो भी मच्योर हो जाएंगे इनक्यूबेशन सेंटर बट एक जो एरिया है जहाँ पे सबसे बड़ा गैप वो ये है कि इनक्यूबेशन सेंटर के अंदर जनरली मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा बट जनरली इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी राइट ये बड़ा अहम सवाल ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि करिकुलम जो है हुँ. वो करिकुलम नंबर वन तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बी बी एम बी कॉमर्स तो यह इस तरह के सब्जेक्ट की एक्सटेंशन है एंड नॉट ओनली दट द मैथडोलॉजी ये ही मेरा so the, इस वक्त जो सबसे पहले सबसे बड़ा जो एड्रेस होने वाली चीज है मेरे नज़दीक वो है करो बैक टू दैट क्वेश्चन जिस किसी ने uh, कभी सॉरी बी ब्लॉन्ट बट किसी ने सौ रुपए की चीज़ ना बेची हो वो क्या पढ़ाएगा कि मार्केटिंग क्या है और वो क्या पढ़ाएगा तो थे पढ़ा लेंगे बट जो उसकी एप्लीकेशन है उस थ्योरी की थ्योरी थेरी वैलिड right. उसकी एप्लीकेशन इन आवर मार्केट कंडीशन जहाँ पे जिस तरीके से हमारी ट्रेड रिएक्ट करती है जिस तरीके से हमारा कस्टमर सप्लाई चेन वो जिस तरीके से एडवर्टाइजिंग कंपनी वाले अकाउंट्स अकाउंट मैनेज टैक्सेशन वाले जिस तरीके से वो रिएक्ट करते वहाँ पे कैसे काम करना बिल्कुल क्योंकि मैंने यही सवाल जो है ना अपने पास लिख के रखा हुआ था कि हम एक सीरीज मुझे दिखाया तो नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं दिखाया नहीं। आउट नहीं किया और उसमें मैं सबसे पहले यही सवाल करना चाह रही थी एम करने के बाद इनक्यूबेशन की जरूरत रहती है कहीं जाके इनक्यूबेट होने की जरूरत का ताल्लुक है होना तो चाहिए एम तो बनाए जाते हैं ताकि लार्ज कंपनी उनको अच्छी ट्रेन वर्क फोर्स मिले ना एम बी एस हो या आ, कोई भी ऐसी डिग्री तो तो नौकरी करे राइट एम बी ए इसलिए पढ़ाया जाता है कि वो के पास जाके अच्छा मैनेजर बने एडमिनिस्टर करे राइट तो कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो एडमिनिस्टर करोगे ना ठीक है और जो इसने एग्जिस्ट करानी है वो तो राइट right. तो बनेंगे एंटरप्राइजेस बनेंगी तो उनको मैनेज करेंगे इसका मतलब है कि प्रोग्राम्स ही बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट तो नहीं कह सकते uh, जो टूल्स देखें तीन चीजें टूल्स एंड नॉलेज राइट ये आपको एम देता है कुछ हद हाँ तक स्किल्स भी आपकी डेवलप करते एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर ये वो चीज है जो वो नहीं देता Right. और जो रिसर्च ओवर एंड ओवर अगेन दुनिया में रिसर्च बताती रही है कि सक्सेसफुल एंट्रप्रनर का ना पढ़ाई के साथ ताल्लुक़ है इतना ज्यादा mm -hmm. ना एज के साथ ताल्लुक़ है ना जेंडर के साथ ताल्लुक है ना वो उसके कल्चर के साथ ताल्लुक़ सक्सेसफुल एंट्रप्रनर तो हर कल्चर में हर जगह पर और हर किस्म के लोग हैं वो एम बी ए किए बगैर कैसे Uh, जो है right. सक्सेसफुल uh, ये चीज़ रखते हैं वही जो आपसे पहले डिस्कशन चल रही थी सर मैंने एक आइडिया पिच इन किया है और लेटर सपोज मेरी सिलेक्शन गई अब मैं इनक्यूबेट हो गई हूँ अब बींग एन इनक्यूबेटरी मेरी भी सर्टन एक्सपेक्टेशन होंगी और इनक्यूबेटर सेंटर के भी मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन होगी जिसने मुझे अपने रिसोर्सेज को एक सर्टेन के लिए इस्तेमाल करने, देना है तो सर इनक्यूबेटी बेटी को क्या उम्मीद लगानी चाहिए इनक्यूबेशन सेंटर से और इनक्यूबेशन सेंटर को क्या उम्मीद लगानी चाहिए इनक्यूबेटी से आई uh, थिंक uh, जो uh, पहली बात मैं एक कमेंट कर दूं जो आपने आइडिया पे काफी जोर दिया आइडिया uh -huh. तो कोई चीज़ नहीं है

Mm -hmm. or like that. इस तरह की कोई अनबिलीबल फिगर राइट और कोक ने दुनिया में कितना कमाया कमायाथिंग right. आइडिया so right. को इम्प्लीमेंट करने वाला है right. so पहली बात तो ये है कि अगर आइडिया तो बहुत से लोगों के पास तो आइडिया जो उस आइडिया को ले भाग पड़ता है चल पड़ता है मैरी कर लेता है उस आइडिया को mm -hmm. उसके लिए सेक्रीफाइस करता है

के दे लकी कि देर आर देर इज़ आंस्टीट्यूशन अवेलेबल जो एक तरफ से उनको स्पेस uh, एंड वो माहौल प्रोवाइड करता है uh -huh. दूसरी तरफ से वो उनका नेटवर्क और, और, और जो वो अपने फैकल्टी को लेके आते हैं आ, ऐसे ऐसे लोग आ, को लेके आते हैं जिनको मिलने के लिए शायद उस उनकी बेटी को हफ्ता भर इंतज़ार करना पड़े ऐसा है ऐसे ऐसे बिजनेस पर्सनस को लेके आते हैं ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को लेके आते हैं बैंकर्स को लेके आते हैं इंश्योरेंस वालों को वट एवर you know, पूरी पूरी सपोर्ट तो दैट्स अ वेरी बिग सपोर्ट दैन वो नेटवर्क उनके ताल्लुक रिलेशनशिप्स नॉट ओनली अमंग द ग्रुप बट विद द इन्वेस्टर्स द फंड मैनेजर्स वेंचर कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सारे जो पूरा नेटवर्क है उसके साथ कनेक्ट हो गया इट्स अ ग्रेट वैल्यू जो चीज़ें हमने uh, मतलब अपना फाइनेंशियल पैसे का लॉस करके ओवर द ईयर सीखी हैं फॉर एग्जांपल मैं अगर, अगर अपनी बात करूं तो वो आपको एक जगह के ऊपर विद इन सिक्स मंथ और ईयर जो भी इनक्यूबेशन पीरियड है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें वो आपको बताई जाती है और पता चल जाता है तो ये पार्ट है बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से इनक्यूबेटीज़ जो है वो इक्यूबेशन सेंटर में इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टर आएगा मेरा आइडिया पसंद करेगा मैं उसको एलिवेटर पिच दूंगा और वो इन्वेस्ट करेगा और मैं मिलियन डॉलर फंडिंग मेरे पास आ जाएगी जो फंडिंग के लिए इनक्यूबेटर में आ रहा है और उससे भी ज़्यादा ज्यादती वाली जो चीज़ है जो मंथली रिटेनर के लिए इनक्यूबेटर में आ रहा है वो बहुत बड़ा रिसोर्स वेस्ट कर रहा है आपका नेशनल लेवल पे भी और वो किसी और का हक मार रहा है right. जो जायज़ तौर पर वहाँ पर आ सकता था जिसका फोकस जो है वो अपनी ड्रीम थी विजन था जिसको उसने ले चलना उसके बजाय अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे आ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट मिलेगी और किसी और की जगह भी जाएगी बिल्कुल यानी इसका मतलब है कि मेरी ये हैं और जिसका मैं फायदा उठा सकती हूँ like, uh, सारी चीजें वहाँ पर हैं। और जो इंक्यूबेशन uh, सेंटर है उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि कम से कम जब इतना दिया इतनी सर्विसेज दे दी और इतनी ट्रेनिंग दे दी तो अब जो उनका इनक्यूबेटरी है जब वो बिजनेस लेके रियल मार्केट में जाए तो वहां सस्टेन करें

किधर की फोटोकॉपियाँ कहाँ पे गए नोट इसीलिए इनक्यूबेटर्स में आपको लेकर आते हैं <laughs> क्योंकि तो, हमने टर्म्स याद की होती है देखिए जीरोक्स की तरह जीरोक्स किस कि फोटोकॉपी का जनरल एक नेम जीरोक्स right, पर दिया था कोडे राइट

Oh. आप एक सेगमेंट के लिए एक प्रोडक्ट बनाते आपका प्रोडक्ट किसी और सेगमेंट के अंदर बिकना शुरू हो आप कौन से सेगमेंट में जाएंगे हमने लुब्रिकेंट लॉन्च किया पाकिस्तान में सिंथेटिक लुब्रिकेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इतनी उसके पीछे अंग्रेजी थी कि इन्वायरमेंट बचाएगा ये करेगा लॉन्ग ट्रेन है रिजल्ट बचाएगा फ्यूल बचाएगा अपना बलबला हमें किसने स्पेस दी पाकिस्तान में ट्रक एंड बस ड्राइवर जो कि हमारी रिसर्च का हिस्सा भी नहीं थे इनको क्या पता कि लॉन्ग ड्रेन क्या होता है और ये क्या होता है इनको हम कारों वाले के पीछे पड़े हुए मेजर ब्रेक थ्रू वज गिवन टू अस बाय द ट्रक एंड बस ड्राइवर्स जिनको नजर आता था कि मैं कराची से यहाँ आता हूँ तो मेरा चौदह लीटर डीजल बचता है अगर मैं ये ऑयल इस्तेमाल करूँ तो इट्स द कस्टमर आपने आप कितनी नब्स के ऊपर है कस्टमर की दैट इज़ वेयर यू हैव वे कस्टमर की नीड एंड वांट कहाँ पे चेंज हो रही है

जो कि क्रूल भी है शायद कंपटीशन भी वहाँ पर है और वहाँ पे एक अलग ही टैक्टिक्स रिक्वायर्ड हैं जब हम इनक्यूबेशन सेंटर्स की तरफ देखते हैं आजकल आपने अब आप तो खैर उनसे ज़्यादा ही विज़िट कर रहे हैं इनक्यूबेशन सेंटर्स बड़ा मज़े का एक कूजी सा इन्वायरमेंट है और उसके अंदर जो है ऑनटरप्रोर्स उनके चेहरों पर मुस्कुराहटे हैं एंड दे आर हैविंग वेरी गुड टाइम ओवर देअर मैंटवार्स आ भी रहे हैं उनसे वो डिस्कशन कर भी रहे हैं लेकिन डे दे एंड के ऊपर रिसर्च भी ये शो कह रही है कि जो स्टार्टअप इनक्यूबेशन से निकल रहे हैं ना बाहर जब वो रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं तो वहाँ वो आ, बहुत जल्दी क्विट कर रहे हैं शायद वो पौधा इतनी कामयाबी से वहाँ लग नहीं रहा कि उसकी आबो हवा यानी कि एक बिज़नेस की आबो हवा और एक इनक्यूबेशन की आबो हवा में इतना फ़र्क है इन्वामेंट में इतना फ़र्क है कि जब उनको रियलिटी चेक्स मिलते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलफ होते हैं

उनको आप सर्विस भी दे रहे उनको पैसे भी दे रहे हैं तो अल्लाह करे सारे लॉन वाले और ये सारे इस तरह करना शुरू कर दें साथ सूट भी दें साथ पैसे भी दें वैन यू डू वैन यू अप्लाई ए फिल्टर लाइक दिस वट काइंड ऑफ पीपल आर यू गोइंग टू अट्रैक्ट फिर आप कहते हैं अच्छे इनकी बेटीज़ नहीं मिलते आपका फ़िल्टर अगर गलत है अगर आपका स्क्वेयर फिल्टर है तो आपको जो बचेगा ट्राइंगल बचेगा ऊपर अगर आपको ट्राइंगल चाहिए तो आपका फिल्टर भी ट्राएंगल होना चाहिए ना जिस इनक्यूबेटी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो छः महीने के लिए अपने आप को सस्टेन कर सके अपने आप जस्ट वन पर्सन वो आप सिर्फ स्टाइपर लेके अपने आप को सस्टेन कर रहा है उसने कारोबार में फंड रेजिंग कहाँ से करनी जब वो फंड रेजिंग नहीं कर सकता तो वो तो वो वो जो है ना वो अगर वो भी नहीं कर सकता जो कहते हैं ना कि ईजिएस्ट फंड रेजिंग इज फ्रेंड्स फैमिली एंड फूल्स अगर वो वो भी नहीं कर सकता <laughs> True. कि अपने आप को छह महीने सस्टेन कर ले ठीक तो एक बेसिक इन्ग्रीडियंट नहीं है उसके अंदर जिसको आप ले जाके उसके ऊपर कॉम का इतना पैसा ज़ाया कर रहे right. फिर आप कहते हैं कि जब वो निकलेगा इनक्यूबेशन सेंटर से तो उसको ये हो गया तो उसको भाई इनपुट ठीक नहीं है आपका ठीक आपका इनपुट ठीक होगा तो आउटपुट ठीक होगा ठीक हो गया और सर वो आप इन्वेस्टर्स वाली बात कर रहे थे दूसरा पार्ट उसका जो है वो भी दूसरा पार्ट उसका ये भी है कि थोड़ी सी हमारे यार दोस्ती हैं जो जो लोग फंड मैनेज भी हैं वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं दोस्ती भी है प्रोफेशनली भी अलाइन है बट मेरे नज़दीक जो उनका मॉडल है वो मॉडल बहुत ज़्यादा कर रहा है अगर पाकिस्तान के साथ नहीं तो पाकिस्तान की यंगर लॉट के साथ बड़ी ज़्यादा कर रहा है बिकॉज तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है माने ना माने वो लोग अलग बात जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनका मॉडल ये है कि मैंने दस घोड़ों के ऊपर पैठ करना उसमें से नौ फेल भी हो जाए मुझे परवाह नहीं एक अगर टेन एक्स ग्रोथ ले लेगा और उससे ऊपर ट्वेंटी एक्स ग्रोथ ले लेगा तो मैंने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसका सुपर रिटर्न मुझे मिल जाएगा ला दिस इज़ द बेसिक मॉडल विच मीनस वाट कि जब आप दस uh, उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं यू आर लुकिंग फॉर वन और टू जो टेन एक्स फास्ट ग्रोथ सुपर रॉकेट ग्रोथ जिसमें चाहिए आप उनको देख रहे होते हैं ओके okay. उनमें से दो तीन ऐसे हैं जो ग्रो नहीं करेंगे चलो वो तो ख़त्म हो गए बाकी अगर दो चार ऐसे हैं कि जो फास्ट ग्रोथ नहीं है प्रोजेक्ट्स या इस लिहाज से पोजिशन नहीं है या टेक्नोलॉजी पोजिशन नहीं है या कस्टमर पोजिशन नहीं है या मार्केट सेगमेंट उस तरह पोजिशन नहीं है आप उनके नीचे से रख खींच देते हैं तो ये जो आपने दो को सपोर्ट किया और उनको आपने आईकॉन्स भी बना दिए फ़ाइन बट जो आपने चार को या पाँच को उसके नीचे से पाओगे नीचे से रख खींच दिया उनका कौन जवाब दें दिस इज वेयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम के बजाय ओवरऑल नंबर में अगर आप देखें तो आपके पास कितनी स्टोरीज़ सक्सेस की में से यही तो हम बात कर रहे हैं कि सेंटर्स जो हैं वहां से जो स्टार्टअप एक्चुअल बिजनेस वर्ल्ड में जा रहे हैं वहाँ पे जाके उनकी जो लाइफ स्पैन है वो यहाँ छह महीने है, या एक साल है और बहुत अच्छा हुआ भी है फिर किसका है? है। जिस सिलेक्शन प्रोसेस ने उसको लेके आया। कसूर हाँ, तो वहां पे राइट, उस को जबरदस्ती का बना रहे हैं आप उसमें वो चीज़ है ही नहीं। ठीक। कहते नहीं आ जाओ हम तुम्हें जगह भी देंगे महीने की तनख्वाह भी देंगे, भी देंगे। और भाई के बनता है? कोई भी नहीं फिर हम तुम्हें कहेंगे अब तुम जाओ और मार्केट uh, में uh, जो चीज तुमने बेची है उसके जो पैसे तुम्हें नहीं मिल रहे दूसरी बात ये है और गर्मी भी खाओ नहीं दूसरी बात ये भी है ना कि अगेन आई कम बैक टू करिकुलम एंड एंड पीपल हु ऑफ ट्रेनिंग देम जब आप ट्रेन कर रहे हैं तो आप उसको आपने उसके ऊपर छ महीने या एक साल लगाया तो आपको नजर नहीं आया कि ये फेलियर है ठीक. मार्केट में कस्टमर को नजर आया कि फेलियर है आपको तो नहीं नजर आया ना तो यू शुड ऑल्सो बी पेइंग पे प्राइस फॉर दैट उस बेचारे की जिंदगी तो हुई बट यू शुड बी पेइंग ए प्राइस फॉर दैट आपका अपना सिस्टम नीड्स टू मॉनिटर इटसेल्फ कि आप किस किस्म के लोगों को लेके आ रहे हैं अंदर ट्रू तो उसको चेंज करने की जरूरत उस लेंस को चेंज करने की जरूरत ट्रू 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 अच्छा सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और uh, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू आपसे बहुत मुख्तलिफ नहीं है कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है इनक्यूबेशन का आई गेस सर आप जिस तरह आप भी कह रहे थे uh, मैं बहुत uh, उससे एग्री भी कर रही हूँ अभी हम बहुत अर्ली स्टेज पर हैं तो हम हिट एंड ट्रायल से इनशाला uh, कुछ ना कुछ सीख लेंगे ये ट्रायल इज वन थिंग बट आप दूसरों के तजर्बों से भी सीखें ना <laughs> खाली अपना हिट एंड ट्रायल ना लगाए अगर हमने 20 साल में सीखा इंक्यूबेशन सेंटर में ठीक तो 20 साल का जो नुकसान होगा उसको कौन है लर्न इन बाकी फिलोसियां सारों की बड़ी बड़ी होती हैं जब आप पावर की सीट पर बैठे होते हैं तो जब आप वहां से निकलते हैं और मुड़के देखें तो फिर पता चलता की आपकी फिलोसफी क्या थी क्या नहीं जब तक पावर की सीट पर बैठे हैं तो एवरीबडीज वहाँ पे तो सबको किंग होता है ये सीक्रेट है थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर इंक्यूबेशन सेंटर के ऊपर ये एक इंतहाई अहम uh, डिबेट थी शॉर्ट uh, है और ऑबियसली इंक्यूबेशन सेंटर का टॉपिक ही बहुत वास्ट है और उसके जो डायनमिक्स हैं वो बहुत uh, जिसे कहते हैं डिबेट मांगते हैं लेकिन बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए एज एन इनक्यूबेटी अगर आप सिलेक्ट हो ही गए हैं उन चंद लोगों में से हैं खुश नसीब में से हैं कि जो सिलेक्शन जिनकी हो गई है और आप इंक्यूबेशन सेंटर में जा रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका एक तो भरपूर फ़ायदा उठाइए और दूसरी बात जो हम बार बार बात कर रहे थे वो यही है कि जो रियलिटी चेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा ना हो कि आप इंक्यूबेशन सेंटर में जा कर उन सहूलतों के इतनी आदि हो जाएं कि जब वहाँ से आप बाहर निकलें और असल जो है कारोबारी दुनिया में जाएं तो आप वहाँ पे जाकर जो आपको रियलिटी शॉक मिले उसमें आप जो हैं वो अपने बिजनेस को और अपने आप को सस्टेन ना कर पाएं इंक्यूबेशन सेंटर्स पर हम और भी वीडियोस लेकर आएंगे ताकि अगर आप इनक्यूबेटी uh, uh, जो है वो बनने जा रहे हैं या आपको इनक्यूबेशन सेंटर्स देख रहे हैं तो आपके जहनों में जो सवाल हैं हम उनके जवाब लेकर आ सकें थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो